माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज जो जेस्ट का 2022 का फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसी के कुछ मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं, उनका सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, काफी इजी कंसेप्ट है, बीएससी लेवल का है। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल आपको गिवन था, जिसमें क्या थी वॉल्यूम में और रिलेशन गिवन थी। V2 और V1 में क्या रिलेशन है, V2 is given by 1/NH of V1. आपको किसकी रिलेशन बतानी थी, what is the relation between P1 and P2? देखिए डेटा देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर के अंदर रिलेशन बतानी है। सो थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करते हुए एक रिलेशन होती है P V^γ = constant, एडियाबेटिक प्रोसेस में होती है। इसको आप लिखिए P1V1 V1^γ = P2V2^γ। अब गामा क्या होती है आपके पास, गामा क्या होती है 1+2/N। N क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल गिवन था, इसका भी मीनिंग है डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए N डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है हमारे पास। 1+2/5 क्या बन गया, 7/5। अब यहाँ पे गामा की जगह सब्सटीट्यूट कीजिए 7/5। P1V1^γ = P2V2 की जगह ये वैल्यू रखिए V1/N^γ, यानी V1/γ / N^γ क्या बन गया, V1^γ से V1^γ कैंसिल आउट, P1 = P2/N^γ की जगह क्या रखोगे 7/5। क्या बन गया, P2 = P1 × N^7/5। तो थर्मोडायनेमिक्स का कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, आई होप मैंने सही किया है। ओके, क्वेश्चन क्या आया हुआ था, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन था। ये आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेते हो, जो स्पेसिफिक हीट है उसका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से मिलता है कंट्रीब्यूशन सॉलिड्स के अंदर और प्लस लैटिस की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक की वजह से क्या होता है, A × T यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और लैटिस की वजह से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, T^ क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी होती है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से CV हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब आपकी वैल्यूज गिवन थी, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे है या 100 डिग्री सेल्सियस पे, CV की रेशियो निकालनी थी हमें। CV यहाँ किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, यानी जब आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है उसको मैंने T1 बोल दिया, जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस है उसको क्या बोला, T2। अब दोनों ही स्पेसिफिक हीट की रेशियो अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्या होगी, CV1/CV2 दैट इज इक्वल टू T1/T2। T1 क्या था आपके पास, 200 डिग्री सेल्सियस, इसको आप जो है केल्विन में चेंज कीजिए, 273 + 200 दैट इज इक्वल टू 473 / T1 क्या है 100 डिग्री, सॉरी T2 क्या है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, और ये रेशियो आपकी नियर अबाउट आ रही है 1.27। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू।